जी आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जिसके लिए मैं आज फोकस करूँगा आज, वो है एक्ने स्कारिंग। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है यंग पॉपुलेशन का, तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और हमारे यहाँ चूँकि स्किन थोड़ी डार्कर कलर की होती है और थोड़ी सबेशियस यानी ऑयली स्किन होती है, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा प्रेवलेंट है हमारे रीजन में। सो एक्ने क्या होती है? एक्ने का पूरा नाम मेडिकल साइंसेस की टर्म्स में एक्ने वल्गैरिस होता है। सो एक्ने वल्गैरिस क्या होती है? एक्ने वल्गैरिस सादा अल्फाज में बेसिकली ये है कि हमारे स्किन में जो ऑयल पैदा करने वाले, प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स होते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। पर इन्फेक्शन सिर्फ इस तरह नहीं है कि बैक्टीरिया अंदर जाते हैं और वो स्वेलिंग कर देते हैं, पस प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि हमारे अंदर के कुछ हॉर्मोन्स, जब हम जवान हो रहे होते हैं तो प्यूबर्टी के वक्त जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, वो इन ग्लैंड्स की सीक्रीशंस को थिक कर देते हैं, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं और एंडोजेनसली यानी अंदर से भी इन्फेक्शन इन्हें फैल सकती है। सो एक्ने कंट्रोल तो ऑब्वियसली डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट हैंडल करते हैं, लेकिन एक्ने अक्सर औकात बहुत बुरे स्कार्स छोड़ जाता है फेस में। वो स्कार्स जो होते हैं वो पिट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो रेज्ड ब्लब्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो पिगमेंटेशन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं।